स्वागत है फ्रेंड्स। होली स्टेज आज आपके लिए लेके आया है होली स्पेशल मालपुए। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इन्हें बनाइए, खाइए और होली मनाइए। होली स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये मालपुए की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू। मालपुए बनाने के लिए हम पहले मालपुए की चाशनी बनाएंगे और चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 बाउल चीनी और 1 ही बाउल हम पानी लेंगे। बराबर की मात्रा में हमने पानी लेना है। हमने इसको उबालना है। इसकी हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। चीनी और पानी को डाल के बराबर मात्रा में हमने एक बॉयल लगा देना है। जब तक ये चीनी पानी उबलता है तब तक हम मालपुए का घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी सूजी या रवा, 1/2 कटोरी मलाई। घर के दूध से जो मलाई निकलती है ये वही मलाई है। साथ में हम लेंगे दूध। इस घोल को हम दूध से ही तैयार करेंगे। 1 गिलास मैंने दूध लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए घोल इस तरह का तैयार होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें बॉयल आ गया है। अब मैंने 4 से 5 इलायचियां जिन्हें मैंने कूटा नहीं है, सिर्फ छीला है, मैंने 4 से 5 इलायचियों को छील लिया है। इसे हम उबलती हुई चाशनी में डाल देंगे ताकि इसमें चाशनी में इसका इलायची का फ्लेवर आ जाए। अब हम चाशनी को हटा लेंगे। फ्रेंड्स मैं ये मालपुए देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी में ही मालपुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप घी नहीं यूज करते हैं तो आप चाहे तो इसे रिफाइंड या कोई भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। अब हम छोटे छोटे पुए बनाएंगे। 1-1 टेबलस्पून हमने घोल डालना है और उसे हल्के हाथों से फैलाना है। एक तरफ से सिकने के बाद अब हम इन्हें पलट लेंगे। इन्हें उलटते पलटते हुए हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेकने हैं और जो जो हमारा पुआ सिक जाएगा उसे हम चाशनी में डाल देंगे। इन पुओं को हम चाशनी में डिप कर लेंगे। अगर पुए के साथ पुआ चिपक जाए तो उसे निकाल लीजिएगा, साइड से बहुत इजीली निकल आते हैं ये। इसी प्रकार से हमने सारे पुए बनाते जाने हैं और इसे चाशनी में डिप करते जाएंगे। जो पुए हमने पहले बनाए हैं उन्हें एक के ऊपर एक अरेंज कर देंगे ताकि बाकी पुओं को हम डिप कर सकें। अब हम इन मालपुओं को कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी मालपुए। आप भी इस होली पे इसे बनाइएगा और सर्व कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, मेहमानों को खिलाइएगा। होली स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।